फाइनली दोस्तों हम आपके लिए लेके आ गए हैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट। आपके पास कैमरा या कोई सा भी ऐसा डिवाइस जिसमें मेमोरी कार्ड जलता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि डेटा फास्टली कैसे ट्रांसफर किया जा सके। तो हमने एक डिवाइस मंगाया है डिजीटेक का, यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक ऐसा जरिया बताऊंगा कि इससे ज्यादा चीपेस्ट आपको गारंटेड कहीं और नहीं मिल पाएगा, और वो भी आपके घर पे डिलीवर्ड होता हुआ। और सबसे अच्छी बात, आप ईएमआई पे ऑप्शन भी चुन सकते हैं उसके अंदर, जो कि आप 100 रुपए 50 रुपए जितनी भी आपका मूड है आप उस हिसाब से ईएमआई पे कर सकते हैं। इससे ज्यादा क्रेजी मुझे डील कहीं और नहीं मिली। यहाँ पे प्रमोशन कोई नहीं कर रहा हूँ, ना मैंने प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन रियली कि मैं चाह रहा था कि तब मैं स्पेशली कोई ऐसा डिवाइस लूँ जो मेमोरी कार्ड से डेटा बहुत स्पीड से ट्रांसफर हो, और नॉर्मली आप 50-60 रुपए वाला जो खरीदते हैं उसमें वो मतलब ना मजा आ पाता। और जो आपके डाउट हैं डिवाइस को लेके वो सब कुछ क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे ये हमें प्रॉपर तरीके से डिजिटेक की ब्रांडिंग देखने के लिए मिलती है, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से डिजिटेक की ब्रांडिंग आपको देखने के लिए मिलती है। मतलब किसी थर्ड पार्टी से नहीं मंगाया मैंने, प्रॉपर डिजिटेक कंपनी से ही प्रोडक्ट मंगाया है, जिसमें कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से मुझे प्रोडक्ट भेजा है। और इसका प्राइस जो है वो 299 रुपए, बट मैंने 299 पे नहीं किए हैं, जो आपने थंबनेल पे देखा वो बिल्कुल सही देखा है। तो यहाँ पे इसे ओपन करते हैं, और बहुत अच्छी पैकिंग से भेजा है। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो डिब्बे में एक्चुअली कुछ खास नहीं है, इसे साइड में रखते हैं। और आई लव पहले बचपन में बड़ा पूछते थे इसके ऊपर, कोई भी प्रोडक्ट में धोखा से आ जाता था। ओ बैक ऑन डिवाइस, तो ये आपको डिवाइस देखने के लिए मिलता है। मैं थोड़ा सा पास में दिखाऊं तो ये आपको डिजी मतलब टैग का प्रोडक्ट देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे स्मॉल मेमोरी कार्ड, में थोड़ा सा पास से आपको बताऊं तो यहाँ पे लिखा है 5 Gbps, मतलब 5 Gbps तक की अप टू ये स्पीड सपोर्ट करता है। ये आपका लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, कंट्रोलर हो गया, मतलब टैबलेट हो गया, सभी कामों के लिए ये कहीं ना कहीं यूजफुल डिवाइस है। और सबसे अच्छी बात यह है कि USB 3 ये सपोर्ट करता है सुपर फास्ट। टेक्निक ये है कि जो भी आप डेटा मतलब ट्रांसफर करेंगे इसके द्वारा वो बहुत स्पीड से हो जाएगा, सबसे अच्छी बात यह है। और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन दे रखी है, और इसका जो डिवाइस का प्राइस है वो प्राइस 699 रुपये लिख रखा है। तो मैं आपको यहाँ पे ये डिटेल दिखाऊँ तो यहाँ पे आप डिटेल देखेंगे तो ये कुछ आपको डिवाइस की डिटेल देखने के लिए मिलती है। तो अभी मैं आपको सारे इसके एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाऊंगा। और इस पे क्योंकि यहाँ पे दो कार्ड होते हैं एक्चुअली, एक बड़ा कार्ड होता है और एक छोटा कार्ड होता है, तो यहाँ पे क्या ये दोनों कार्ड सपोर्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रेगुलर अपडेट के लिए जैसे हम कोई नई अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आए या आपके काम के लेके आए तुरंत ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, तो नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो यहाँ पे ना ये अच्छा दे रखा है कि इसे कोई खोले तो काट के ही खोले, ऐसा नहीं है कि बहुत लोग होते हैं यार प्रोडक्ट मजा नहीं आ रहा यार इसे रिटर्न कर दो, तो ऐसी ही पैकिंग में करना है, वैसे नहीं करना। तो हमारे पास एक कटर है जिसकी सहायता से हम एक्चुअली इसे काट पाएंगे। तो ये वैसे वायर कटर होता है एक्चुअली, लेकिन हम इसे मल्टी वर्किंग में यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे खोलना भी अपने आप में टास्क है, क्योंकि यहाँ पे ना हल्का सा भी हाथ लगता है तो प्लास्टिक इतनी मजबूत हो जाती है एकदम हाथ फाड़ सकती है। तो यहाँ पे थोड़ी होशियारी से खोलें और कैची का यूज करें, मेरी पर्सनल एडवाइस है। तो अरे मैं सोच रहा था एक्चुअली इसमें ढक्कन ही नहीं लगा है, मैंने कहा ढक्कन के पैसे बचा लिए, बट ढक्कन लगा हुआ है। मैं एक बार दोबारा देखना चाहूंगा, मतलब इसकी पैकेजिंग में ऐसा लग ही नहीं रहा था दोस्तों कि इसमें, आप यहाँ पे पास में देखेंगे ढक्कन लगा हुआ है, बट यहाँ पे ढक्कन लगा हुआ है, यहाँ पे एक ढक्कन दे रखा है। मैं यही सोच रहा था मैं बुराई करने वाला था इस मामले में, मैंने डिजिटेक वाले पैसे बचा लिए, ऐसे ओपन दे दिए गंदा हो जाएगा, लेकिन ढक्कन लगा रखा है। और साइड से ना मतलब वैसे जैक नहीं है, थोड़ा सा टाइट है, तो मतलब मैं बात करूँ गिर गया धोखे से, धोखे से गिर गया, धोखे से गिर गया, मतलब निकलेगा नहीं। एक अच्छी चीज ये है
क्वालिटी बेस बात करूं तो अच्छा देखने के लिए मिल रहा है, दोनों कार्ड सपोर्ट कर लेगा। डेट मीन पता है मैंने ऑनलाइन देखा तो मैं सबसे ज्यादा डाउट में ये था कि किसी ने भी इस तरीके से फोटो नहीं डाल रखा था कि मैं डायरेक्टली चेक कर पाऊं कि इसमें छोटा कार्ड डलता है या नहीं डलता है। बट मैं आपको यहां से पास से दिखा दूं ये प्रोडक्ट, तो आप आराम से देख पाएंगे। मैं थोड़ा मुंह बचाऊंगा तो यहाँ पे फोकस कर लेगा, तो ये आप देखेंगे दोनों कार्ड इसमें डल जाते हैं। तो बड़े कार्ड ये हो गया एंड छोटा कार्ड उल्टा करके चलेगा शायद, यस। तो दोस्तों ये दोनों कार्ड सपोर्ट करता है, एक बार ट्राई करते हैं और स्पीड चेक करते हैं फिर वापस आते हैं। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे हमारा QBO4K कार्ड, मतलब जो हमने मेमोरी कार्ड डाल रखा है वो, और सीधे सी ड्राइव में ट्रांसफर करेंगे। और सी ड्राइव जो है हमारे पास SSD है, याद रखना है। जो हमारे पास पहले डोंगल था वो टाटा डोकोमो का था, ये वाला वो 3G डोंगल था। उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि स्मॉल कार्ड डालने की फैसिलिटी थी, लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा बुरी आती थी, 3 Mbps 5 Mbps मैक्सिमम आती थी। तो अभी तक हम वही काम चला रहे थे, बट फाइनली हमने न्यू कार रिटर्न लिया है और देखेंगे। और यहाँ पे हमने 843 MB की फाइल ले कितनी देर में ट्रांसफ़र होती है, तो यहाँ से यहाँ कॉपी करते हैं। और रियली इम्प्रेसिव स्पीड अभी तक तो, और आप खुद देख सकते हैं कि 853 MB की फाइल मतलब 40 Mbps मैक्सिमम जा रही है, लेकिन इस पर 5 Gbps लिखा हुआ था, धोखा, लेकिन सही है 5 Mbps से तो बहुत ज़्यादा स्पीड। और अच्छी एक कांस्टेंट स्पीड चली, जो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी कांस्टेंट चलेगी, अच्छा रिस्पांस है। बाकी आपने देखा कि टोटल मिला के कनेक्टिविटी कोई इशू नहीं है, तुरंत लगाओ कुछ और ऊपर से छोटा कार्ड डल जाता है, तो जो भी प्रॉब्लम थी वो भी ख़त्म हो गई है। क्योंकि बड़ा कार्ड डालो फिर उसमें, क्योंकि जितने कार्ड रीडर लगते चले जाते हैं वहाँ पर डेटा ट्रांसफरिंग स्पीड मतलब इंटरफेरेंस जुड़ते चले जाते हैं, बट डायरेक्टली स्मॉल कार्ड आपके कार्ड रीडर में कनेक्ट हो जाता है तो स्पीड अच्छी मिल जाती है। और ये 50-60 रुपए वाले से बहुत ज़्यादा बेहतर है, आपने ट्राई किया होगा तो आपको मालूम होगा, लेकिन रियली बहुत अच्छा ऑसम एक्सपीरियंस है इसके साथ। चलते हैं आगे वीडियो में। तो फाइनली आपने देखा वहाँ पे जो स्पीड आपको एक्सपीरियंस होती है वो मैंने आपको रियल दिखा दिया कि पीछे कुछ भी हिडन नहीं रखा। और इसमें एक्चुअली 3.0 सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, मतलब यहाँ पे आप गौर से देखेंगे अंदर के साइड से तो आपको ऊपर के साइड उभरे हुए जो पॉइंट दिखेंगे वो 5 पॉइंट दिखेंगे और नीचे के साइड जो है वो 4 पॉइंट दिखाई देंगे। जो पीछे वाले होते हैं और आप देखेंगे तब USB 3.0 होती है तो उसके मुंह के साइड मतलब फ्रंट के साइड 5 पॉइंट दे रखे होते हैं, जिसमें कि ज़्यादा कनेक्टिविटी मिलती है और हाई स्पीड कनेक्टिविटी रहती है। तो ये सपोर्ट करता है और एक्सपेरिमेंट आपने देख लिया जो हमने किया और जो स्पीड आपको देखने के लिए मिली, रियली इंप्रेसिव लुक है। इंडिकेटर लाइट की बात करें और सबसे अच्छी बात यह है कि पीछे इसमें बांधने का दे रखा है कि आप स्पेशली ट्रैवलिंग के टाइम इसे यूज़ कर रहे हैं ऐसी जगह पे, या जैसे कि मेरा खुद का ऑफिस है तो मैं उसे रखूं तो इधर उधर रखने पे मिसप्लेस हो जाए, धागे से बांध के या बैग में कहीं पे भी ऐसा या इसके बैग में ही डाल दो कि आराम से मुझे बाद में ईजिली फाइंड आउट हो जाए कि हाँ छोटा सा डिवाइस है। और कैसे मैंने मंगाया, एक सबसे बड़ा कंसर्न ये है, तो डायरेक्टली मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक मिल जाएगा। मैं प्रमोट नहीं कर रहा ना मैंने इससे पैसा लिया है, जो है वो आपको सामने से दिखा दिया है। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि ये जो है वो आप फ्लिपकार्ट से अमेजोन से खरीदेंगे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, बट डायरेक्टली डिजिटेक की साइट से खरीदेंगे तो ये 300 रुपये का डिवाइस है। लेकिन वहाँ पे जो एक थर्ड पार्टी कंपनी है वो आपको EMI ऑप्शन पे करवाती है, जिसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देनी है। तो मेरी सबसे सस्ता EMI बेस्ट था जो मैंने 300 रुपये का मंगाया, मैं मार्च तक 100-100 रुपये की पेमेंट करूंगा। और मैंने जानबूझ इसे EMI पे मंगाया क्योंकि मैं चीपेस्ट मंगाना चाहता था, तो 100 रुपये तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम चाय पी के आते हैं कहीं भी 100-150 रुपये का खर्चा तो हमारा चाय पीने हो जाता है। तो रियली इस छोटा सा डिवाइस तो जरूर है लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल है और आपका जो डेटा है वो बहुत अच्छी स्पीड से डेटा ट्रांसफर करता है। लेकिन याद रखना है USB में लगाए तो 0.3 में लगाए, तभी सुपर फास्ट जो होती है तभी आपका डेटा हाई स्पीड कनेक्टिविटी से ट्रांसफर करेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगे रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।